भूख होती तो टाइम से पहले पहुंचते, घंटी बज गई और आप लोग मतलब गश्ती कर रहे हैं। इतनी लज्जा की बात है, इतनी धिक्कारने की बात है, अपनी अपनी बुद्धि को धिक्कारे तुम लोग। जिस काम के लिए घर छोड़ के आए हो और इतनी इंपॉर्टेंट स्पीच हो रही है और तुम्हारे लिए उसका कोई मूल्य नहीं, जैसे मेडम का दर्द दर्द होता है बरसात में, ऐसे ही महाराज जी बोल रहे हैं क्या सुनना है उसको। यही भावना तो होगी, वरना लापरवाही क्यों हो। जब 10 रुपए के लिए तुम लापरवाह नहीं बनते हो, संभाल के रखते हो, तो पृथ्वी बड़ी चीज के लिए इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हो रही है, क्या मतलब है उसको, कारण है उसका, बिना कारण के कार्य नहीं होता। अगर आप लोग कहे नहीं है कि कोई बात नहीं है तो फिर कारण बताइए। कारण कोई नहीं है, बिना कारण के कार्य होता ही नहीं। या तो ये अहंकार हो कि जो कृपालु जी बोल रहे हैं 1000 गुना अच्छा हम बोल सकते हैं, या हमको ऐसे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तो फिर घर से यहां तपस्या करने आए क्यों, इसका कारण बताओ। और मन के गुलाम बनना है तो फिर मन पर आना ही नहीं चाहिए था। अपना लेटना, मनमाना खाना, मनमाना सोना, मनमाना बकवास करना यही पसंद है तो संसार में तो कर ही रहे हो। और इन्हें सोचा कि महाराज जी को कितना दुख होगा इससे, यही दुख देने हम आए हैं यहां पर संकट में। गुरु भी मानते हो, और पहले ही दिन आप लोगों को इतना लंबा लेक्चर सुनाया गया था कि टाइम पर उपस्थित हो जाओ, फिर खाली संकीर्तन हो तो भी हम मान लें कि भाई हम अपना मन में कर रहे थे संकीर्तन, तो लेक्चर था। और ऐसा लेक्चर था कि एक वाक्य भी अगर न सुनो तो पूरी बात समझ में नहीं आएगी। फिलॉसफी का सब्जेक्ट है ये, कितना गहरा, कितना सूक्ष्म लेक्चर है इसको तुम लोग करोड़ कल्प में नहीं समझ सकते। कोई महापुरुष समझ सकता है जिसने सब शास्त्रों वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है, वो सरेंडर करता ऐसे लेक्चर से कि हमने तो सब शास्त्र वेद पढ़े हैं लेकिन ऐसा तो हम नहीं समझ पाए जो इन्होंने 1 घंटे में समझा दिया। तो जिन लोगों को ये लेक्चर पसंद ना हो, महाराज जी पसंद ना हो, मनगर का सत्संग पसंद ना हो, तो वे लोग ऊपर बैठ करके या और कहीं बैठ करके टाइम न बर्बाद करें, अपना बिस्तर बांधे और कल सवेरे चले जाएं। वो आदमी रहे वो हमको प्रिय है, लेकिन वो लाभ लेने वाले हमको भीड़ नहीं इकट्ठा करना, हमारा हाथ भी छोटा है। हाल अगर हाल के अनुसार हम चलते, भीड़ इकट्ठा करना चाहते तो आप लोगों में से कुछ लोग वृंदावन गए थे गुरु पूर्णिमा पर, देखा था वहां कितने 1000 आदमी थे, मेरे बहुत दुख है, बड़ा आश्चर्य है कि जो व्यक्ति इसी काम के लिए घर छोड़कर चला हो वो व्यक्ति टाइम पर ना आए। ये जानते हुए कि टीचर बैठा हुआ है, साधारण संसार में भी, सरकारी स्कूल में भी टीचर के आ जाने के बाद कोई विद्यार्थी आवे और निर्भय होकर बैठ जाए
आज ही हमारी इच्छा हम जब चाहे तब आएंगे। सोचो धिक्कारो, इतना धिक्कारो कि लाखों आंसू आवे, तब क्या सिद्ध होगा इस बात का जो नाना बराबर लोगों ने किया है। आज ये हंसी मजाक नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है। कोई चीज ऐसी हो जो हमेशा मिल जाए या हमारी जेब में है, उसके लिए लापरवाही हो जाए तो मामूली अपराध है, अपराध वो भी है। लेकिन जो चीज हमेशा न मिल सके, अगर महाराज जी से ही थोड़ा बहुत प्यार होता तो महाराज जी यहां बैठे हैं, हम ऊपर बैठे हैं महाराज जी की खोपड़ी पर, या वहां वहां घूम रहे हैं विश्राम गृह में। कुछ विदेशी लोग भी लापरवाही कर रहे हैं, वो ठीक है विदेशी है, लेकिन जब इतनी दूर से वो आए हैं कितने हजार किराया खर्च करके, तो उनको सोचना चाहिए कि हम एक एक क्षण काम में लें। सहेली सहेला से बैठकर बातें करने तो नहीं आए यहां पर। कोई पटना के पास जाके बैठता है, कोई विशाखा के पास बैठता है, कोई आपस में गप्पे करता है, कोई प्रचारक के पास बैठता है, ये सब क्या है? मगर व्यक्ति के लिए यहां पर आए हो, यहां आंसू बहा करके भगवान के किस काम प्रेम मांगने आए हो, जो काम करने आए हो वो करो। बहुत बड़ा आश्चर्य, मेरी तो बुद्धि फेल है। और अगर कोई योग्यता रखता हो तो हमको समझा दे कि क्या कारण है, इसका क्यों हो रहा है। और फिर भी बहुत कम लोगों को थोड़ी सी फीलिंग हुई, बाकी लोगों ने कहा ठीक है चक्कर न पीएंगे, क्या बाद में चलेंगे कीर्तन में बैठेंगे। यानी कोई खास बात नहीं है, उनके मस्तिष्क में उन्होंने जो कुछ किया ठीक किया। जब एक मिनट आधी मिनट की देर हो जाने पर भी ट्रेन छूट जाने पर फिर आपके लिए ट्रेन वापस नहीं आती है, तो फिर आप लोग कैसे भूल जाते हैं कि घंटी बज गई और आप मटर गश्ती कर रहे हैं। और जिसको मटर गश्ती करना चाहिए वो पंक्चुअलिटी से आ रहा है आपके क्लास में, फिर भी आपको डर नहीं। अरे प्यार ना हो तो कम से कम डर तो हो टीचर का। आज हम क्षमा कर दे रहे हैं, अगर फिर दोबारा ये गलती हुई तो मैं सत्संग भवन में नहीं आऊंगा, सत्संग बंद कर दूंगा। आप तो जाइए अपने अपने घर, जिस नरक में आप से आए हो वहीं पर जाओ। साधना करना है तो ठीक ठीक करो, नहीं करना है तो हमको परेशान न करो। बहाना करना, बातें बनाना, अपने आप को ठीक कहलवाना, ऐसा सोचना, ये सब भयंकर नाना अपराध है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। ठीक है दो चार आदमी कोई कह सकते हैं कि हमें हार्ट अटैक हो गया था इसलिए हमें आने आने में देर हो गई, लेकिन सब की हालत सीरियस हो गई थी जो नहीं आ सके। और अगर लेक्चर को देर में शुरू किया जाए तो आप लोग जानते हैं क्या होगा। मैंने बहुत लेक्चर दिए हैं,
बड़े अनुभव है उसको। 8 बजे लेक्चर रखा गया और लोगों ने कहा महाराज जी यहाँ 8 बजे जो रखा है लोग 8:15 के पहले नहीं आते। तो हम 8:15 पर गए तो लोग 8:30 पे आने लगे। ये तो अनुभव कर चुके हैं। तो उसके बाद फिर हमने ऐसी पंक्चुअलिटी बरती कि 1 मिनट का फर्क नहीं हो सकता था हमारी स्पीड में। सब लोग भाग भाग के आते पहले से। अरे भाई अगर कोई कहे कि मैं जरा लेट हो गया तो तुमको देर में शुरू करना चाहिए तो कै बजे करें? आप 1 घंटे लेट आ रहे तो आपको वेट करें क्यों? जितने अपराधी हैं अगर वो आंसू बहा करके भगवान से गुरु से क्षमा नहीं मांगते हैं तो वो समझ लें कि उनको मन घड़ाने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। इनाम अपराध है, साधारण अपराध नहीं है। ज्ञान न हो है तो वो भी नहीं। मैं कल से देख रहा हूं, मैं यहां से जाता हूं तो तमाम देवियां चढ़ जाती है ऊपर और देखती रहती है महाराज जी आए उतर आती है। ये क्या है? ये गुरु से चोरी, भगवान से चोरी। अरे कोई मजबूरी हो ठीक है, हमारा पेट खराब है चले गए चले थी, हमारी कोई खास दिन में दर्द भयंकर हो गया था, 5 मिनट को लेट गए थे, वो यहां परमिशन है। लेकिन छोटे छोटे बच्चे, मैं यहां जब आ गया उतर रहे नीचे से, कहां गए थे आप लोग? महाराज जी पूछते उठते नहीं है, जो मन में आए तो करो। महाराज जी एक एक क्षण की नोट करते धोखे में न रहना, भाई इकट्ठा तो समझा देते हैं बोल देते हैं। पति हो गई जब कल से तब मैं आज बोल रहा हूं। कुछ पुराने लोग भी इसमें शरीक है और कुछ नए लोग भी हैं। ज्यादा लज्जा तो पुराने लोगों को आनी चाहिए जो हर साल आते हैं। और शक्ति बढ़ती जाएगी तो जो लोग इस शक्ति को सहन करने को तैयार न हो वो सवेरे बिस्तर बांधकर तैयार हो जाए अपने घर जाने को। और जिनको लाभ लेना है यहां मनगर से हम कुछ लेकर के लौटे, जो सारे जीवन में नहीं पा सके थे वो पा के लौटे। अगर ये प्राप्त करना है तो पूरे नियम का पालन कीजिए आप लोग। ये अंतिम वार्निंग दे रहा हूं, कल से ये सब धपड़ धपड़ नहीं चलेगा। 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए आप देश सहन मान लिया, लेकिन हमेशा के लिए ऐसा नहीं है। जो घर में बहू आती है तो पहले उससे काम नहीं कराया जाता है, उसकी आरती उतारी जाती है, लेकिन सारे जीवन आरती नहीं उतारी जाएगी। अब उसको काम करना पड़ेगा। घर अब आप लोग समझ गए होंगे और फिर भी अगर नहीं समझे तो मैं कल से समझाऊंगा अच्छी तरह से।